ये एक दहेज प्रथा पर आधारित एक सॉन्ग है। ये सॉन्ग मैंने सुना था, मैं यही सॉन्ग अपने आवाज़ में गाना चाहता हूँ। पिता और पुत्री का संवाद, अगर एक पिता अपनी पुत्री का शादी करना है, कुछ अड़चने आ रही है, यही सॉन्ग मैं सुनाना चाहता हूँ। और जमी बेच खेतावा दुअरावाए बाबा, जमी बेच खेतावा बाहर ए बाबा, जमी बेच खेतावा बाहर। अरे ना चाही डॉक्टर इंजीनियर लड़िकावा, ना चाही डॉक्टर इंजीनियर लड़िकावा, ना चाही उच्च परिवार ए बाबा, ना चाही उच्च परिवार। अरे कुछ दिन रखी है दहेजवा के लोहिया, कुछ दिन रखी है दहेजवा के लोहिया, कुछ दिन में दी ही दूत कार ए बाबा, कुछ दिन में दी ही दूत कार ए बाबा। केहू मांगे टीवी, केहू मोटर साइकिलवा, केहू मांगे टीवी, केहू मोटर साइकिलवा, केहू करी टकरार ए बाबा, केहू करी टकरार। अरे छिट देही दहिया पे मोटिया के तेलवा, छिट देही दहिया पे मोटिया के तेलवा, फगिया लगा के दी ही जार ए बाबा, फगिया लगा के दी ही जार ए बाबा। अरे अगिया से बड़ा डर, अगिया से बड़ा डर लागेला बाबा, कैसे जरी दिया सुकुमार ए बाबा, कैसे जरी दिया सुकुमार। जय हिंद जय भारत। सर सर मैं कुछ पूछना चाहूंगी आपसे। जी जी, आप इतना ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को, आपको कैसा फील हो रहा? आप ये जानते थे कि मैं कभी इतना ज्यादा वायरल होऊंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं इतना जल्दी वायरल हो जाऊं। मैं तो एक मामूली सा रिक्शा वाला हूं जो पटना की सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चला रहा हूं। और एनी आपको क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस आप यहीं पे रहे। जी जी जी, काफी सवाल कर लिया मैंने शायद आपसे। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं चाहूंगी कि इन्हें सम्मानित करें। इनका अगला सवाल, क्या आप अपना नंबर देंगे इनको? भाई मेरे को कहीं जाना होगा तो बोलेंगे हेलो वायरल भैया आ जाइए, एयरपोर्ट से लोहानीपुर जाना है। मैं तो रिक्शा चालक हूँ, कभी कभी पटना सड़कों पर हमको देखेंगे तो जरूर बैठिएगा। जी हाँ, सुनो आपसे इन्होंने वादा किया है, ईमानदार रिक्शा चालक है, पटना की सड़कों पे अगर ये दिख जाए तो ये पहले बोलो भैया चल चलते हैं, ऐसे करने लगेगा आपको। ये बहुत टैलेंट है। और एक बार सर इन्होंने इसके पहले मिमिक्री किया, लेकिन आइए देखो पब्लिक डिमांड यही होती है, सो प्लीज न्यूज चैनल वाले आपके पीछे पड़े रहेंगे। एक बार कुछ और मिमिक्री करके आप इन्हें जरूर दिखलाते हैं प्लीज। मिथुन चक्रवर्ती, ओके सर मिथुन दा, इसको देखना पड़ेगा सर, लेते क्या है, कहीं बंद में मंद तो नहीं है। अरे वाह, हवा जोनी वाह, अरे ये देख मोर जानो, अरे आप उनका पैंडल रिक्शा यहाँ लगा हुआ है, अरे धिक्कार है, अरे अभी तक एक फड़ा नहीं लगा। अगर आपको जाना है तो इस पैंडल रिक्शा में जरूर बैठना। अरे मैं यानी कि दीपक रिक्शा वाला हमेशा इनकम टैक्स गोलम पर रहता है। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया दीपक भाई, आप यहाँ पर हैं। मास्टर उज्जवल, ये आपको अपने तरफ से अपना प्यार देना चाहते हैं राकेश भाई। सीरियस मोड पे ये वाले म्यूजिक नहीं बजाते हैं। हाँ मॉर्निंग में बजाने का
ये पास्टर उज्जवल अपने तरफ से आपको दे रहे हैं, इन्होंने मुझे लग रहा है अपना सम्मान आपको दिया है यार, ऐसे लोग होने चाहिए और ऐसे टैलेंट का सत्कार होना चाहिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये दीपक जी ये प्रूफ करते हैं कला मरता नहीं, वक्त और हालात की वजह से जो भी आज ये काम कर रहे हैं, बट ये कला ही की पहचान आज के डेट में बनी हुई है। तो कला को वक्त खींचता है, कितना भी बुरा हो जाए कला को नहीं मार सकता, ये सही इसका प्रमाण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं उज्जवल भाई, ये तो उनसे बेटर है जो कुछ नहीं चलाते हैं, कम से कम कुछ चला तो रहे हैं। और चलाते चलाते आपने क्या मतलब ऐसा माँ का आशीर्वाद हो गया, माँ की कृपा हो गई कि आपने जो कला कलाकारी आ गई है दीपक शर्मा जी, मैं पक्का कह रहा हूँ ऐसे दीपक हैं जो कभी बुझने वाले नहीं है, और ऐसे दीपक हैं जिनसे रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि राजीव जी की तरफ से दीपक जी के लिए कुछ सम्मान है, वो आप जरूर ग्रहण करेंगे। अभिषेक तू अगर खड़ा होकर फोटो खींच सकता है तो खींच ले भाई। पहले लोग फेमस होते थे, आजकल लोग वायरल हो रहे हैं। एक जमाना वो भी था कि वायरल लोगों से दूरी बनाई जाती थी, एक जमाना आज भी है कि वायरल लोगों को गला लगाया जाता है। सो प्लीज अब वायरल ऐसे होइए पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में नहीं, बिकॉज पहले पॉजिटिव लोगों से दुनिया दूर रहती थी, अब पॉजिटिव लोगों के पास खड़ी होती है। सो प्लीज समय समय की बात है, आइए हमारे साथ राजीव जी यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे लग रहा है कुछ मॉनेटरी सपोर्ट ये दीपक जी को करने वाले हैं, और आखिरकार दो शब्द आपके तरफ से भी हम लेना चाहेंगे दीपक जी प्लीज। राजीव भाई गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन फील्ड में मेरा काफी टाइम हो गया, ठीक है हेलो। और क्या है कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों पे प्रेशर ना बनाया करें, ठीक है, उनको जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उन्हें अप्रोच करने दें, ताकि आगे वो जो भी वो सक्सेस करना चाहेंगे वो सक्सेस कर सकते हैं उस फील्ड में और आगे बढ़ सकते हैं। इवन मेडिकल इंजीनियरिंग ही सिर्फ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। एंड आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे या फिर कुछ और डिमांड्स हैं इनके लिए? इनसे कुछ और डिमांड है? मैम लालू यादव एक अप्रेस पूरी ये लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ तो है। पहले लालू जी बोला गया ना तो मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते दौड़ने लगते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप नजरे झुका कर जब बंशी से चेहरे पूछते हो ना, मैं समझ रहा हूँ दीपक जी। चलिए कोई बात नहीं, दीपक भाई के लिए पर जोरदार ताली होनी चाहिए। और आप यूं ही आप कला से भरे हुए हैं, आपको हर लोग हर इंसान बखूबी गला लगाएंगे दीपक भाई। और खैर ये जो बोलते हैं कि वो किस्मत है, तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठेला चला रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, मैं कहता हूँ किस्मत वाले हैं इसलिए आप ये कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, है कोई आपके जितना टैलेंटेड, नो वन इज देयर, तो आप हमेशा जय में रहिएगा। ये बिहार है और यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, और जिनमें टैलेंट होता है वो छिपता नहीं, वो व्हाट इज कॉल्ड की सच्चाई छिप नहीं सकते कभी, बनावट के वसूलों से सुगंध आ नहीं सकते कभी कागज के पुलों से। दीपक जी प्लीज। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब 10 साल का था उस समय मैं जबरदस्त मिमिक्री करता था, लेकिन जब मुझे कोई पहचान नहीं मिला तो मिमिक्री से इतना नफरत हो गया, आप मेरे स्टोरी चैनल से पूछ सकते हैं। फिर मैं 15 साल की आयु में पटना आया और गरीबी के कारण पटना की सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। इनमें से जितने भी लोग बैठे होंगे शायद कोई तो ऐसा होंगे कि मेरे रिक्शे में बैठे होंगे। धन्यवाद।
चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। सो प्लीज ये दीपक शर्मा जी आज के इस प्राइड ऑफ पीआर में इस कार्यक्रम को इन्होंने अपना